दोस्तों, एक्सेल में अगर आप अपना काम बहुत ही फास्ट तरीके से अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक्सेल के सभी शॉर्टकट कीज़ आने बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर आपने ये शॉर्टकट कीज़ सभी सीख लिए तो आपका एक्सेल काम बहुत ही स्मूथ तरीके से हो पाएगा और बहुत ही एफिशिएंसी से कर पाओगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक्सेल के 10 शॉर्टकट कीज बताऊंगा जो आपके डेली यूज में काम आएंगे, और अगर आप उनको यूज करेंगे तो आपका एक्सेल काम बहुत ही फास्ट तरीके से हो पाएगा। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि इस एक्सेल शीट में अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे एक्सेल में कितने रो होते हैं और कितने कॉलम्स होते हैं, अगर आप यहाँ पे पता करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो ये टॉप पे यहाँ पे आपको एरो का सिंबल दिख रहा है, आप इस पे क्लिक कर लेंगे। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टॉप पे आपको यहाँ पे रो दिखेगी, देन उसके बाद यहाँ पे कॉलम दिखेगी। तो आपकी यहाँ पे 10,48,576 रो हैं, देन उसके बाद 16,384 कॉलम्स आप यहां से पता कर सकते हैं। अगर आप यहां पे चाहते हैं कि मैं दूसरे तरीके से आपको बता दूं, तो आप यहां पे सेल्स पे क्लिक करेंगे, देन कंट्रोल के साथ आप यहां पे डाउन एरे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे नीचे वाले रो पे ये लेके चला जाएगा, जहां पे आप देख सकेंगे जहां आपकी रो 10,48,576 रो आप देख पाएंगे। देन अगर यहाँ पे चाहते हैं कॉलम पता करना, देन यहाँ पे आप कंट्रोल के साथ यहाँ पे राइट वाला एरो यहाँ पे यूज कर लेंगे तो आपको लास्ट वाले कॉलम्स भी ये लेके चला जाएगा। तो इससे आप यहाँ पे इस पता कर सकते हैं। तो ये था सबसे पहले, अगर यहाँ पे आप रो और कॉलम्स अगर एक्सेल का पता करना चाहते हैं। देन उसके बाद सेकेंड शॉर्टकट कीज है Ctrl+F। अगर मैं यहाँ पे एक्सेल में चाहता हूँ कि कोई भी अगर नंबर्स यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं शॉर्टकट तरीके से उसको कैसे फाइंड करूँगा, तो आप सबसे पहले आप उसको Ctrl+F यूज करेंगे। तो Ctrl+F यूज करने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स होएगा, तो आप यहाँ पे कोई भी अगर वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पता करना चाहता हूँ 157, तो आप यहाँ पे 157 टाइप कर देंगे और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करेंगे। तो जहाँ भी इसको 157 दिखता रहेगा वहाँ पे आपका सेल्स मूव होता रहेगा। तो इससे आसानी से आप किसी भी नंबर्स को अगर फाइंड करना चाहते हैं तो Ctrl+F के साथ आप उस नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रिप्लेस का। अगर मान ले आप चाहते हैं कि मेरा जो इसमें 157 नंबर है आप उसको यहाँ पे रवि नाम देना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अगर फाइंड व्हाट जिसमें आपको नंबर के आपको मतलब ओवर राइट कराना है, तो मुझे 157 की जगह यहाँ पे रवि शो करवाना है, तो आप यहाँ पे रवि टाइप कर देंगे। तो जहाँ भी इसको 157 देखा है उसकी जगह यहाँ पे रवि टाइप ये कर देगा। देन उसके बाद आपको रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना है। तो ये सभी 157 सेल्स को यहाँ पे रवि में यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से Ctrl+F शॉर्टकट की से आप यहाँ पे किसी भी नंबर्स को वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, देन किसी को अगर नंबर्स को रिप्लेस यहाँ पे कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट कीज है स्पेशल का, Alt+H+V+S। देन उसके बाद उसका ही शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+V। तो ये किस लिए यूज होता है, मान लो आपको कोई भी जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इस पूरी शीट को मैं यहाँ से कॉपी करूँ, देन अगर मैं यहाँ किसी अन्य जगह यहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मेरा यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा हुआ है अगर मैं कहीं भी उसको पेस्ट करूँ तो ये सम का फॉर्मूला मुझे वहाँ पे शो ना हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे इस शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस टेबल को Ctrl+C के साथ क्लिक कॉपी कर लेंगे, देन यहाँ पे जहाँ भी आपको पेस्ट करवाना है तो आप उस सेल्स को यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, देन आप यहाँ पे Alt+H+V+S यहाँ पे यूज करेंगे Alt+H+V+S। देन उसके बाद आपको यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे थर्ड पे एक ऑप्शन देखेगा वैल्यूज का, वैल्यूज पे सेल्स पे क्लिक करके आप जैसे ही ओके करेंगे
तो आपका जो भी यहाँ पे टेबल थी वो यहाँ पे आपकी पेस्ट हो जाएगी। और यहाँ पे देखें जो भी मेरे यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा हुआ था, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मेरा सम का फॉर्मूला हट चुका है। तो इस शॉर्टकट की से आप कोई भी अगर फॉर्मूला चाहते हो कि मेरा यहाँ पे कॉपी ना हो, या उसके बाद आप यहाँ पे सेकंड वाला शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दोबारा यहाँ पे सेकंड वाला यूज़ करना बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया है। तो की बार मैं यहाँ पे इसमें कंट्रोल ऑल्ट प्लस वी यहाँ पे आपको यूज करना बता देता हूँ। तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी जैसे ही आपके शॉर्टकट यूज करेंगे तो आपको दोबारा से पे स्पेशल का बॉक्स आपको ओपन हो जाएगा। देन सेम वैल्यूज पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो आपका यहाँ पे जो भी आपने कॉपी किया था वो पे स्पेशल यहाँ पे हो जाएगा। देन उसके बाद मेरा नेक्स्ट शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल। तो ये शॉर्टकट किस लिए यूज होता है, मान लो आपको इस सीट पे आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल यहाँ पे यूज करेंगे तो आपका यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप फिल्टर यूज कर सकते हैं। देन दोबारा से जैसे ही आप यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल प्लस एल करेंगे तो आपका यहाँ पे फिल्टर हट जाएगा। तो इस तरीके से शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल से आप यहाँ पे फिल्टर लगा भी सकते हैं, देन उसको हटा भी सकते हैं। तो ये था शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल। देन उसके बाद मेरा नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए। तो कंट्रोल प्लस ए किस लिए यूज होता है, मान लो ये मेरे पास यहाँ पे सीट दी हुई है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी मेरी सीट है मैं एक साथ यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ पूरी सीट को। तो उसके लिए आप यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल ए यूज करेंगे तो आपकी जितनी भी बड़ी सीट है उसको ये एक साथ यहाँ पे सेलेक्ट कर देगा। तो कंट्रोल प्लस ए से आप पूरी किसी भी लंबी सीट को यहाँ पे एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पी या कंट्रोल प्लस F2। तो कंट्रोल प्लस पी किस लिए होता है, मान लो आप इस जो भी एक्सेल सीट है आप यहाँ पे चाहते हैं कि इसका प्रिंट यहाँ पे देना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ भी जैसे ही यूज करेंगे तो आप इसका यहाँ पे बहुत ही आसानी से प्रिंट दे सकते हैं। तो कंट्रोल पी आपका यहाँ पे प्रिंट कमांड देने के लिए यूज किया जाता है। देन उसके बाद आपका यहाँ पे सेकंड देखा कंट्रोल प्लस F2। तो ये किस लिए यूज होता है, तो ये आपका यहाँ पे प्रिंट के साथ आपको यहाँ पे जो भी प्रीव्यू है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल F2 यूज करेंगे तो आपको दोबारा से वहां पे ये प्रिंट और प्रीव्यू के साथ यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो ये दोनों ही तरीके आपको यहाँ पे किसी भी डाटा को अगर यहाँ पे प्रिंट कमांड देना चाहते हैं या आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो ये दोनों शॉर्टकट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद मेरा यहाँ पे शॉर्टकट की है F5 या फिर कंट्रोल प्लस G। तो ये दोनों ही शॉर्टकट की आपको यहाँ पे गो टू स्पेशल जो भी आपका डायल बॉक्स है उसको अगर यहाँ पे आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इन दोनों शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे F5 जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे गो टू का यहाँ पे जो भी बॉक्स है यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो भी स्पेशल के यहाँ पे आपके ऑप्शन है यहाँ से आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। या फिर जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस जी भी करेंगे तो भी आपका यहाँ पे गो टू का बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो गो टू स्पेशल के लिए आप यहाँ पे इन दोनों शॉर्टकट कीज का यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट शॉर्टकट की है मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल प्लस F4 या फिर कंट्रोल प्लस W। अगर आप ये यहाँ पे चाहते हैं कि जो भी मेरी ये एक्सेल सीट ओपन है अगर यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से इसको यहाँ पे क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इन शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस F4 यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी एक्सेल सीट है वो यहाँ पे क्लोज करने का आपको ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपसे ये पूछ रहा है कि आप ये एक्सेल सीट को सेव करना चाहते हैं या नहीं, तो आप यहाँ पे इसको यहाँ पे सेव या डोंट सेव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे शॉर्टकट की से अगर यहाँ पे इसको एक्सेल सीट को क्लोज करना चाहते हैं तो आप इस दोनों की का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस T। तो कंट्रोल प्लस T अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि जो ये मेरी सीट है आप इसको टेबल में यहाँ पे
अप्लाई करना चाहते हैं, टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कंट्रोल टी यूज कर लेंगे। तो ये जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल टी करेंगे तो क्रिएट टेबल का आपका यहाँ पे ऑप्शन जो भी बॉक्स है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपकी टेबल जो है वो रेंज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। वो जैसे इसको ओके करेंगे तो आपकी यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में ये शो हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस टी से आप यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस एच प्लस वन। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं किसी भी नंबर्स को, सेल्स को यहाँ पे बोल्ड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे करूँगा ऑल्ट एच वन, तो आपका यहाँ पे जो भी मैंने सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे वो सेल्स यहाँ पे आपके बोल्ड हो जाएंगे। तो ये थे एक्सेल के 10 शॉर्टकट कीज जो आपके डेली यूज में काम आने वाले शॉर्टकट कीज हैं। अगर आपने ये सीख लिए तो आप आसानी से अपने एक्सेल का काम बहुत ही फास्ट तरीके से कर पाएंगे और बहुत ही स्मूथ तरीके से उसको यूज कर पाएंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल्स पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो वो आपको आसानी से मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेल सीख सकें।